मुझे तो अभी तक तो यकीन नहीं होता कि इंडिया में एक ऐसा भी डैश कैमरा विच इज द मोस्ट एडवांस ट्रू फोर के डैश कैम विद सोनी स्टार 2 टू आई एम एक्स सिक्स सेवन एट सेंसर ए आई मोशन डिटेक्शन का फीचर भी है इसमें फ्रंट एंड रियर कैमरा दोनों में एच डी आर अवेलेबल है जीपीएस लॉगर एंड रूट रिकॉर्डिंग का भी फीचर है इसमें एडास भी आता भाई और क्या चाहिए इसमें लेन डिपार्चर एंड कॉलिजन डिटेक्शन का फीचर भी है तो चलिए अब आपको इस कैमरा से मिलवाते हैं कि जिसकी इतनी तारीफें हो रही है वो है कौन सा आई एम टॉकिंग अबाउट सेवेंटी माई फोर के एट वन जीरो फोर के डुअल चैनल डैश कैमरा एनेबल्ड विद एच डी आर इन बोथ ऑफ द कैराज अब हम बात करेंगे बॉक्स के अंदर ऐसी क्या चीज है वो क्या कैमरा इसकी प्राइस इतनी ज्यादा क्यों है उसके बारे में बात करते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या फीचर आ रहा है तो ऐसी कुछ पैकेजिंग आती है बॉक्स की ब्लैक कलर का बॉक्स है पॉलिथिन में रैप्ड है अच्छी पैकेजिंग है और क्लियरली मैं सेवेंटी माई फोर के ए एट वन जीरो

का एनवेलप जिसके अंदर यूजर मैनुअल है और दो इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर है विंडशील्ड पे लगए, फिर उसके ऊपर कैमरा लगा सकते हैं नाउ दिस इज द मेन कैमरा जिसकी इतनी बातचीत हो रही है कैमरा की फिट एंड फिनिश बिल्ड क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है बहुत नीटली इसके अंदर सारी चीजें बनाई गई है और ये कैमरा है जिसके अंदर सोनी आई वाला सेंसर है ये इसका पावर बटन है और ये इसका माइक है फॉर ऑडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे लगेगा इसका माउंट और माउंट के जस्ट नीचे है इसका स्पीकर ये स्पीकर है इसका जिसके थ्रू कमांड्स आती हैं। ये मेमोरी कार्ड स्लॉट है यह है पावर इनपुट टाइप सी जो मेन पावर लेगा यहाँ पे लगेगा रियर कैमरा की केबल ये है एयर वेंट्स ताकि इसके अंदर हीट डिसिपेट होती रहे हीट बिल्डअप ना हो और ये छोटी सी जो है इंडिकेटिंग लाइट है जो कि तीन अलग अलग कलर में ब्लिंक करती है वो आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे जब कैमरा चलाओगे चार फंक्शनल बटन है यहाँ पे आगे भी देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या है ये रेयर कैमरा है जिसकी भी बिल्ड बहुत ही अच्छी है और इसके अंदर भी एयर वेंट्स दिए गए हैं ये एक अच्छा सा इफेक्ट दिया गया यार इस साइड मैंने पहली बार किसी कैमरा में देखा है मतलब अस्थेटिक व्यू वैसे कोई पर्पज नहीं है और इसके अंदर भी डबल टेप आ रही है चिपकाने के लिए आप 360 रोटेट कर सकते हो इस कैमरा का ये फायदा आप, कैबिन में भी लगा सकते हो पीछे अपनी तरफ रोटेट करने के लिए इफ यू वांट टू अदरवाइज तो रियर कैमरा के लिए ही ठीक रहेगा रियर विंडशील्ड के लिए चलिए अब देख लिया अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन की इसकी वायरिंग कैसे करनी है डुवेल चैनल एक फ्रंट विंडशील्ड पे लग जाएगा एक रियर विंडशील्ड पे लग जाएगा और फिर हम करेंगे इसके डे एंड नाइट सैंपल्स को चेक करते हैं रिव्यू करेंगे की उनकी क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी क्या कुछ आती है विंडशील्ड पे लगाने से पहले मैं एक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर आता है दोनों कैमराज के लिए अलग अलग आया है इसको मैं लगा लेता हूँ बिल्कुल बॉक्स के साथ अलाइन करके ऐसे है। ठीक है नेक्स्ट थिंग अडेप्टर को लगाते हैं ये केबल को इसमें लगाना है अभी मैं फटाफट एक बार ऐसे ही कैजुअली इसको फिट करके मैं दिखा देता हूँ कि कैसे होगा एंड टाइप सी पोर्ट आता है तो आपको ये यहाँ पे कनेक्ट कर देना है ठीक है अभी इसके अंदर पावर आ जाएगी अब ये इसके अंदर मैं एक मेमोरी कार्ड लगा रहा हूँ और के यूज़ करना है वैसे इसमें क्लास टेन एक और एडवाइस आपके लिए कोई भी कैमरा फ्रंट एंड रियर लगा दो पहले ऐप से कनेक्ट करके उसमें एक्चुअल व्यू एंगल देख लेना कहाँ क्या दिखा रहा है कितना साइड में करने की जरूरत है खासकर रियर कैमरा जब लगाओ तो पहले कैमरा की केबल को कनेक्ट करना तब जाके उसे विंडशील्ड पे लगाना क्योंकि इससे ना कई बार क्या होता है कि रियर कैमरा आप लोग उल्टा लगा देते हो कैमरा में यहाँ पे चार डेडिकेटेड बटनस भी हैं शायद क्लियर नहीं दिखाई दे रहे होंगे तो अगर ये वाला दबाओगे तो आप रेयर कैमरा के बीच में स्विच कर सकते हो चलती गाड़ी में पीछे का देख सकते हो वापस फ्रंट कैमरा पे कर लो यहाँ पे आपके क्लिप्स होती हैं तो आप रिकॉर्डिंग जो हुई है वो देख लोगे ये आपके सेटिंग्स है कैमरा की तो वो आप चेंज कर सकते हो आपके अंदर भी कर सकते हो और अगर ये दबाओगे मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमरजेंसी वीडियो रिकॉर्डिंग मान लो आपको पता है सामने कुछ ऐसी घटना हो रही है जो कि आपको रिकॉर्ड करनी ही करनी है यू कॉन्ट स्किप दैट वीडियो और पार्ट तो आप एक डेडिकेटेड यहाँ पे इमरजेंसी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो वो एक सेपरेट फोल्डर के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी और वो कभी डिलीट या ओवर नहीं होगी इवन इफ द मेमोरी कार्ड इज़ फुल ठीक है तो वो एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे डेडिकेटेड बटन दे दिया गया है वो फीचर बढ़िया है <laughs> अब थोड़े इसके वीडियो एंड ऑडियो सैंपल्स ले लिए जाए थोड़े टाइम बाद इसका ऑडियो सैंपल भी मैं दिखा दूंगा फिलहाल जो आवाज़ आ रही है वो मेरे माइक से आ रही है पीछे एक बाइक चल रही है रेयर कैमरा की फुटेज से पहले हम शुरू कर लेते हैं क्योंकि आगे अभी कुछ है नहीं है सच पीछे बाइक चल रही है देख लो कितना वाइड व्यू आपको मिलता है नंबर प्लेट रीड करना चूंकि बाइक के नंबर प्लेट के साइड में एक एलईडी लाइट है तो अभी तो रीड नहीं कर पाओगे अभी सामने से गाड़ी आ रही है ये फ्रंट कैमरा की आप क्लिप देख लो नंबर प्लेट रीडिंग कहते हैं कि इस कैमरा की बहुत ही अच्छी है वो अब आप आप देख लो डैश कैमरा की यार इन जनरल नीड अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही ज्यादा है फेक चलां हो रहे हैं पुलिस जबरदस्ती पकड़ लेती है नहीं आपने तो रेड लाइट जंप करी है तो क्लिप निकाल के उनके माथे पे दिखा दो कि देखो हमने जंप नहीं करी है अगर आपने सच में नहीं जंप करी है इफ यू वांट टू प्रूव यूर सेल्फ नॉन गिल्टी तो वहां पे आप एक क्लिप निकाल के दिखा सकते हो प्रूव करो अपने आपको और एक्सीडेंटल क्लेम्स में प्रूफ के तौर पर आप क्लिप सबमिट कर सकते हो कि देखो ये प्रूफ है किसी और ने हमारी गाड़ी ठोकी है या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो वहाँ पे अपने क्लिप्स जो है आप निकाल सकते हो एज ए मेमोरी सेव कर सकते हो यही है डैश कैमरा का सबसे बड़ा फायदा है एक्सीडेंट वाला आजकल खुद को नॉन गिल्टी साबित करना वरना बहुत टाइम कट जाता है कोर्ट वगैरह में तो क्लैरिटी अभी डे टाइम में देख लो थोड़े टाइम में आपको नाइट टाइम के रिकॉर्डिंग भी दिखाऊंगा जब पांच छह घंटे में अंधेरा हो जाएगा थोड़ा आपको तो अभी दिख जाएगा अभी आपको मैं इसकी एक्चुअल ऑडियो दिखा देता हूँ ठीक है यहाँ पे हॉर्न बजाएंगे आप अपना थोड़ा विंडोज वगैरह बंद करके अब ये है इस कैमरा की ऑडियो रिकॉर्डिंग तो अभी देख लो ऑडियो क्वालिटी आपको कैसी लगती है ये काफी यूजफुल होती है आपके लिए अगर कोई ऐसे ही वीडियो की तरह ऑडियो कोई प्रूफ निकालना है आपकी कोई बिजनेस डील क्या बात हुई थी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में झगड़ा हो गया नहीं मैंने तो ये बोला था वो बोला था तो ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो के साथ उसको निकाल के दिखा देना नहीं देख तो नहीं ये बोला था ठीक है और ये आपके सामने पेश है नाइट टाइम रिकॉर्डिंग के सैंपल्स, फ्रंट कैमरा के अभी देख लो बस स्टैंड के ऊपर वापस लेकर आऊँ थोड़े बहुत व्हीकल्स हैं यहाँ पे तो अभी नाइट में स्लो स्पीड पे अगर जाते आगे जो व्हीकल है उनको देख लो ऑब्जर्व कर लो मैं अभी थोड़ी देर में थोड़े से हाईवे के ऊपर भी लेके जाऊंगा गाड़ी को तो वहां पे आप लोग देख लेना लो बीम हाई बीम अगर मैं मान लो स्विच कर रहा हूँ तो कैसे क्या विजिबिलिटी रोड के अंदर आ रही है और लाइट्स का मत पूछना कौन सी लाइट्स है और ये मेरे गाँव के कुछ क्लिप्स है नाइट टाइम की फ्रंट कैमरा की सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ तो आप बनाओ यार अपना ओपिनियन देखो कि आपको कैसी लग रही है क्लिप्स कोई एडिटिंग नहीं है कोई कलर करेक्शन नहीं करी गई है और ये है रेयर कैमरा की नाइट टाइम रिकॉर्डिंग सैम्पल्स जैसे मैंने कहा था कि रेयर कैमरा को जितना आप ऊपर लगाओगे उतना ही गलत जो है आपको इफेक्ट मिलेगा रात में क्योंकि व्हीकल्स में पीछे क्या होता है हाई माउंट स्टॉप लैम्प तो जितना ऊपर लगाओगे तो जब जब ब्रेक मारोगे तब, तब तब वो ब्रेक वाली जो है लाइट उसके अंदर पड़ेगी कैमरा के अंदर आपको फुटेज क्लियर नहीं आएगी दूसरी चीज रेयर कैमरा कोई भी हो पीछे से अगर हेडलाइट की तेज बीम पड़ेगी तो पीछे कुछ भी नहीं दिखेगा पीछे अगर कोई लाइट नहीं है सुनसान के लिए तो ही आपको एक जो है क्लियर आ, इमेज वहां पे मिलेगी चलो अब आपको ऐप के बारे में बता दिया जाए यू नीड टू क्लिक ऑन सेवेंटी आई यहाँ पे अपना कैमरा सेलेक्ट करना है मेरी गाड़ी में अभी तीन सेवन टीम आई के कैमरा है ऑन दिस ऑलरेडी कनेक्टेड है और ऐसा कुछ हो जाएगा आपके सामने ये एंगल आ जाएगा कैमरा का जो फ्रंट व्यू है माइक को ऑन एंड ऑफ यहां से कर सकते हो इफ़ यू डोंट नीड इट और यू नीड इट एक फोटो यहाँ पे क्लिक कर लेना यहाँ पे क्लिक करोगे तो स्विच कर जाएगा रियर कैमरा के अंदर यहाँ से आप अपना सेटिंग्स देख सकते हो वेरियस ऑफ कोलिजन डिटेक्शन मोशन डिटेक्शन टाइम लैप्स फोटोग्राफी भी इसके अंदर आती है अपने रूट जो हिस्ट्री है आपके जहाँ जहाँ गए हो उसका एक टाइम लैप्स वीडियो बना के आपको दे देगा इमरजेंसी वीडियो यहाँ पे आती है एडास जो आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो इसको पहले कैलिब्रेशन की जरूरत होती है थोड़ी मतलब स्क्रोल करते जाओ आप इतने सारे जो है फंक्शन प्रोवाइड करते हैं आपको रिकॉर्डिंग देखने क्लिक ऑन एल्बम ये ऑल वीडियोस आपको दिखा देगा तो ये जो सारी जो यहाँ पे क्लिप्स अभी तक हुआ और एक्सटेंडेड कैमरा पे क्लिक करोगे तो ये पीछे वाली जो है क्लिप्स आपके सामने आ गई धीरे धीरे लोड हो जाएंगी और इमरजेंसी वीडियो यानी इसमें मोशन डिटेक्शन का फीचर गाड़ी कहीं पे हिट होगी कोई छेड़ने की कोशिश करता है ब्रेकर जंप करती है गड्ढा लगता है तो इमरजेंसी वीडियो ये रिकॉर्ड कर लेगा वो इस फोल्डर में सेव करेगा और वो कभी डिलीट नहीं होगी अपने आप अदरवाइज वीडियो ओवर होती है ये पार्किंग सर्विलेंस इसमें होता है अगर आपके पास हार्ड वायरिंग किट लगी हुई है टाइम लैप्स का अलग से एक यहाँ पे फोल्डर है फोटोज मैंने अभी क्लिक करी थी तो वो यहाँ पे आ जाएंगी सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो सेवेंटी माई ए एट वन जीरो के फ्रंट एंड रियर कैमरा के डे एंड नाइट सैम्पल्स मैंने आपको सब दिखा दिए हैं ऑडियो वीडियो क्वालिटी आपको कैसे लगी वो आप अपना ओपिनियन बना सकते हैं मैं आपके ऊपर छोड़ दूँ अगर आपको कैमरा परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो लिंक है एक अमेजोन का लिंक है और एक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो एंड येस नेक्स्ट डिजिट्रॉन इज द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ सेवनटी माई तो ट्रस्ट वर्दी है आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब चैनल को शेयर इट विद समन अ डैश कैमरा परफेक्ट dash camera in budget thank you